एक तरफ हमारे देश के नौजवान देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इन जवानों के परिवारों के साथ जातियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला जिला फिरोजपुर के गांव बजीतपुर से सामने आया, जहां एक फौजी जवान के परिवार के साथ एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर कुछ लोगों की तरफ से मारपीट की गई। यहां तक कि जवान की मां को भी पीट पीट कर चोटिल कर दिया गया। जानकारी देते हुए पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि गांव के दविंदर सिंह नामक व्यक्ति ने जमीनी विवाद को लेकर अपने परिवार और कुछ और लोगों के साथ उन पर लाठियों से हमला कर दिया। तस्वीरें देखिए, रूह कपा देने वाली इस तस्वीर में एक जवान की मां को चोटिल कैसे कर दिया गया, इसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। मारे में हुई है मेरी जमीन चो ना उन्हें पैली च मेरी च मिट्टी सट्टी सी, पानी लाना से असी आपकी जमीन च गए हैं, जमीन च जाके असी खलोते हाँ, असी मिट्टी माड़ी तो भजे आए ने आन के तो मैंने कुटन मार लग पे। मेरा बंदा भी बुजुर्ग सी, साढ़े कोर कोई नहीं, पुत्र मेरा बहर नौकरी ते आ, चीन के बार्डर ते आ, असी उन्दे माँ प्यो आ, असी मेरे तो गल नहीं होंगी, मैनू इन्होंने बहुत कुटिया जुंडिया तो फट। बहरहाल परिवार का ये भी दावा है कि राजनीतिक दबाव की वजह से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने पंजाब सरकार से मदद की गुहार लगाई है कि उनका बेटा चीन बॉर्डर पर देश की रखवाली कर रहा है और इधर उसके परिवार के साथ जातियां की जा रही हैं। उन्होंने पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन से इंसाफ की मांग की। वो खाली ही खाली का पानी का रौला पहले ढाती जी तो मिट्टी सुट्टी चुकन गए माड़ी जी तो गलों जी सारे परिवार ने आगे माँ कुटमार की मुड़के टीरू के कोल कापा होंगी माँ मेरी बेटी तो उनका मुंडे तो टीरू सारे ही परिवार ही पिया जी अभी यही कहने कैप्टन सू भी मेरा जो बार्डर से आना मतलब से कुछ की राखी की जाए इन्होंने देखभाल की जाए। वहीं जब इस पूरे मामले में थाना कुल्लगड़ी के SHO अभिनव चौहान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और दूसरे पक्ष पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। जमीन का रौला है आपस के दो परिवार ने और दोवें ही आपस के रिश्तेदार ने इन्हों की एक 33 मरलिया का रौला कि मुश्तरके खाते जमीन है किसी की भी वंड नहीं हुई है। अगे भी इन्हों को समझाया गया तकसीम कराने भी आपका जोड़ा है तुम माल महकमे राही यदि तकसीम कराओ पर अजे तक इन्होंने तकसीम नहीं कराई है। कल सानू पता लग्या भी इन्होंने आपस के झगड़ा वगैरह किया दोवें पार्टियां दाखिल हुई हैं असी आपका थानेदार साहब उत्थे भेजे है जिड़े कि स्टेटमेंट लैके जी बनती कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि देश की सुरक्षा में लगे उस जवान के परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। वो तो देश की रक्षा कर रहा है, अपना फर्ज निभा रहा है, लेकिन उसके परिवार की रक्षा कौन करेगा। यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि देश के जवान ने चीन से तो अपनी जमीन बचा ली लेकिन अपने ही देश में अपनी जमीन वो नहीं बचा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, ABC स्टार न्यूज़।